वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाए रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताते चले कि मुल्तान की आर्ट्स काउंसिल में सजा ड्रामों का रंगारंग मेला, जहां पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक ड्रामे पेश किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून अली की इस रिपोर्ट में। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के जेरे एहतमाम जश्न तमसलचा का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान फनकारों और हिदायतकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए। रोशनियों का शहर है, अक्रम रोशनी ही रोशनी है, लाल नील का दौर तो गुजर चुका है। मैं शर्मो हया वाली हवा की बेटी ढूंढ रहा हूँ। तकरीब में फनकारों की जानिब से मुख्तसर दुरानिये के ड्रामे, जिनमें किसी ने सियासी अंदाज को जरा हटके पेश किया तो किसी ने तालीम, जायदाद में बेटी का हक, वतन अजीज से मोहब्बत और दीगर माशरती मसाइल पर मबनी ड्रामे पेश किए, जिसको देखने के लिए जनूबी पंजाब के नामवर फनकारों समेत कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तो जो नया टैलेंट आएगा, एक तो जज्बा ज्यादा होगा, जोश होगा, जवानी होगी, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। थिएटर मुआशरे का आकाश होता है, और जो आज का थिएटर हो रहा है वो मुआशरे का आकाश नहीं, वो पता नहीं किस चीज़ का आकाश है। बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे, और हमारा जो ड्रामा था वो बहुत जबरदस्त किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए कुछ ना कुछ इकदाम करें। मुल्तान में नौजवान हिदायतकार और अदाकार इस मुनाकदा फेस्टिवल से काफी मुतमईन नजर आए। ऐसे मेलों से नौजवान फनकारों की ना सिर्फ हौसला अफजाई होती है, बल्कि उनमें तकनीकी सलाहियत भी बेहतर होती है। जिले इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद की गई इस तकरीब को शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद खलील के साथ हारून ताहिर, चैनल 5।